ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके, तुम चले गए अंबर के पार। तो निश्चय बुद्धि के पीछे कौन सा शब्द आता है? विजय। तो सदा विजयी है। बाबा ने एक बारी बहुत अच्छा पूछा था प्रश्न, तो अपने को सभी निश्चय बुद्धि तो कहते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? विजयी। तो विजयी कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, इसका कारण? तो निश्चय में कुछ तो कमी होगी ना। तो बाबा ने कहा देखो निश्चय में चार बातें देखो। कोई भी चीज टाइट की जाती है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है? चार ही कोनों में टाइट किया जाता है। एक भी कोना अगर ढीला हो जाता है ना, तो चीज टूट जाती है। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि चार बातों में चेक करो। वो कौन सी है? आपको बुद्धि में तो आ गई होंगी हा? पहले बाबा कहता है बाप में निश्चय। पहला तो बाप में निश्चय होगा, उसके बाद अपने में निश्चय होगा। अपने में वो निश्चय पक्का होना चाहिए, मैं कौन। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छा बोला था, तो आप बच्चे जब याद करते हो तो मैं आत्मा हूँ। ये तो चलते फिरते भी पाठ पक्का है ना, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं याद करो, लेकिन आत्मा के साथ नशा तब चढ़ेगा जब कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो सब है, लेकिन हम कौन सी आत्मा है? उसमें क्या याद आएगा? सारे स्वमान की लिस्ट। स्वमान की लिस्ट कितनी लंबी है? है सबके पास स्वमान की लिस्ट? और रोज अगर स्वमान भिन्न भिन्न आप चेंज करते जाओ ना, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक चीज बार बार यूज करो ना, तो थोड़ा फर्क आ जाता है। और भिन्न भिन्न करो तो एक नशा ही और होता है। तो स्वमान की लिस्ट सारी जो भी हमारी बाबा ने शुरू से दी है, वो स्वमान भी बाबा ने कहा याद करो। मैं ये आत्मा हूँ, मैं स्पेशल आत्मा हूँ। हम डायरेक्ट परमात्मा के पैदा हुए बच्चे हैं ना, तो ये भी स्वमान है ना। तो ऐसे कोई भी विश्व कल्याणकारी है, उदार चित है, उदाहरण है, कई स्वमान है। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं याद करो, लेकिन आत्मा के साथ अपने स्वमान भी याद करो, तो मजा आएगा और रमणीकता थोड़ी हो जाती है। आत्मा सिर्फ तो बिंदी है, बिंदी कभी खिसक भी जाती है ना, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ उसमें नशा चढ़ जाता। मैं ऐसी आत्मा हूँ, बाबा ने ऐसा बनाया है, तो नशा था। और तीसरी बात है एक बाबा एक अपने में, और तीसरा क्या है? ड्रामा में। ड्रामा का जरा भी ड्रामा भूल जाता है तो नेचुरली है विजय नहीं होती। कोई भी बात अचानक हो जाती है तो ड्रामा एक ढाल है,
जैसे लड़ाई में जाते हैं ना, तो भाई लग नहीं जाए कुछ तीर या वो, तो डाल रखते हैं अपने आगे। तो ड्रामा हमारे लिए एक डाल है, उसको भी जरूर हमको निश्चय में पक्का होना है। बाबा जैसे कहते हैं, क्या बड़ी बात है, ये तो कलप कलप किया है, क्या सोच रहे हो, कोई भी बड़ी बात है भाई, ये तो मेरे से बड़ी है बहुत बात। लेकिन बाबा कहते हैं बड़ी तब लगती है जब ड्रामा याद नहीं। हम कितने बार कितने कलप विजयी बने हैं, अनगिनत वार है ना, तो अनगिनत वार की हुई बात मुश्किल लगती है क्या? वैसे भी कहते हैं ना बहुत इजी लगती है, तो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ से तो निकली हुई है ये बात। तो एक बार निकल जाती है हाथ से तो दोबारा फिर मुश्किल नहीं लगता। तो ड्रामा, और चौथा क्या है, परिवार। परिवार में भी निश्चय पक्के चाहिए। अगर परिवार की कोई भी बात देख करके सुन करके और थोड़ा हिल जाते हैं, क्योंकि परिवार के संगठन में ये होता है, तो परिवार में भी अगर थोड़ा नीचे ऊपर हो गई कोई बात ऐसे सुनी, ऐसे होता है क्या, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, गया फेल होगा ना। तो परिवार संगठन है, कहीं कहते ना बाबा मिला ये तो बहुत अच्छा, बाबा को जानना, बाबा ज्ञान को जानना अच्छा है, लेकिन संगठन में चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन संगठन का निश्चय, क्योंकि हमारे यहाँ और धर्मों में फर्क है, हमारा राज भी है, धर्म भी है, राज भी है, उनका सिर्फ धर्म स्थापन होता है। तो राज में सब चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, सब चाहिए ना। तो परिवार में तो सब कुछ होगा, जिसको देख के ढगमग होते हैं ना थोड़ा, ये भी होता है, ये होता है क्या, ये तो ज्ञान नहीं कहता है, ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा भी संकल्प मात्र भी आया तो निश्चय नहीं हुआ ना, थोड़ा मिक्स हो गया ना, तो विजय नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते हैं चारी कोने ठीक रीति से पैक करो। हमारे दिल में बाबा, बाबा के दिल में हम, आपकी ये शिक्षा हमें दिल से है स्वीकार।